सो हे गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज इस शानदार वीडियो में, क्योंकि यार फाइनली आ चुका है रियल क्रिकेट 22 गेम्स की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज। जी हाँ गाइस, एक नहीं काफी सारा न्यूज है जो कि एकदम ऑफिशियल न्यूज होगा, यानी कि रियल क्रिकेट 22 डेवलपर की तरफ से जो न्यूज निकल कर आ चुका है ना, काफी शानदार न्यूज है। यानी कि रिलीज डेट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, उसी के साथ साथ रियल क्रिकेट कौन से डिवाइसेस में सपोर्ट करेगा वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी एकदम ऑफिशियल न्यूज है गाइस। तो इसीलिए एकदम जबरदस्त होगा आज का ये वाला वीडियो, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप भी जानना चाहते हो आपके फोन में सपोर्ट करेगा या नहीं ये रियल क्रिकेट 22, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन यार उससे पहले इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप इस वीडियो को देख के इस वीडियो को लाइक करना ही भूल जाओगे। तो अभी का अभी लाइक करो, उसी के साथ साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा कर रखो, ताकि मैं न्यू वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो का क्रेडिट जाता है एंड्रॉइड गेमिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ये 100% ऑफिशियल न्यूज है, क्योंकि ये सारे न्यूज रियल क्रिकेट के डेवलपर की तरफ से निकल कर आया है। तो ध्यान से सुनना गाइस, एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। गाइस बिग इन्फॉर्मेशन, बिग गुड न्यूज निकल कर आया है रियल क्रिकेट 22 गेम्स की तरफ से। तो रियल क्रिकेट 22 जो गेम्स है ना गाइस, ये ऑफिशियली प्ले स्टोर में बीटा वर्सन में रिलीज होगा। और ये जो गेम है बीटा वर्सन में रिलीज होने की वजह से आप प्ले स्टोर से जाके बीटा वर्सन को डाउनलोड करके एक्सेस में इस गेम को एंजॉय कर पाओगे ऑफिशियल रिलीज होने से पहले ही। तो एंड्रॉइड यूजर के लिए यार काफी बड़ा गुड न्यूज निकल कर आया है कि एंड्रॉइड में ये गेम बीटा वर्जन में रिलीज होगा। लेकिन यार लेकिन सैड न्यूज एप्पल यूजर के लिए है, एप्पल यूजर इस गेम को यार बीटा वर्जन में एंजॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस एप स्टोर बीटा प्रोग्राम को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, इसीलिए बीटा वर्जन सपोर्ट ही नहीं है एप्पल डिवाइस में। तो यार एप्पल यूजर के लिए सैड न्यूज है, लेकिन यार एंड्रॉइड यूजर के लिए काफी बड़ा गुड न्यूज है कि जल्द ही कुछ दिनों के अंदर आपको प्ले स्टोर में बीटा वर्सन में रियल क्रिकेट 22 ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। गाइस अब बात करेंगे रियल क्रिकेट 22 गेम्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जो गेम आपके डिवाइस में सपोर्ट करेगा इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तब जाके आप इस गेम को खेल पाओगे। तो इस गेम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट निकल कर आता है 4GB रैम। जी हां गाइस, 4GB रैम आपके डिवाइस में होना ही चाहिए, तब जाके आप RC22 गेम को एंजॉय कर पाओगे। अगर इसके नीचे आपके डिवाइस का रैम है तो आप इस गेम को भूल जाओ, आपके डिवाइस में सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो गाइस 4GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट है लो ग्राफिक्स में इस गेम को खेलने के लिए। तो लो ग्राफिक्स में खेलने के लिए 4GB रैम चाहिए, और गाइस हाई ग्राफिक्स और अल्ट्रा सेटिंग में खेलने के लिए आपको मिनिमम 16GB रैम और 8GB रैम तो चाहिए ही चाहिए हाई ग्राफिक्स और अल्ट्रा सेटिंग में गेम को एंजॉय करने के लिए। तो ये न्यूज डेवलपर की तरफ से निकल कर आया है, ये ऑफिशियल न्यूज है गाइस। तो 1GB 2GB 3GB रैम डिवाइस के लिए एक सैड न्यूज से निकल कर आया है। तो इसके बारे में एक वीडियो में बना के बताऊंगा 1GB 2GB 3GB रैम डिवाइसेस में ये गेम चलेगा या नहीं, और कैसे आप इस गेम को आपके डिवाइस में चला सकते हो फ्यूचर में। तो इसके बारे में एक नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन रियल क्रिकेट 22 गेम्स को खेलने के लिए आपके डिवाइस में मिनिमम 4GB रैम रिक्वायरमेंट होना ही चाहिए, तब जाके आप गेम को एंजॉय कर पाओगे। तो गाइस कंपनी ने ये एक हार्ड डिसीजन लिया है, क्योंकि यार ये डिसीजन पे कंपनी को इसीलिए एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि अगर गेम को ज्यादा कंप्रेस कर देगा तो यार गेम का ग्राफिक्स अच्छा नहीं होगा, फिर तो RC20 ही बेटर होगा। तो रियल क्रिकेट 22 का कोई काम ही नहीं था ना, इस वजह से कंपनी को इस डिसीजन पाना पड़ा कि इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट 4GB रैम होगा और इसका ग्राफिक्स अच्छा होगा, ताकि लोगों को अच्छा लगे एटलीस्ट। तो इसीलिए गाइस कंपनी ने यह डिसीजन को एक्सेप्ट किया है। तो गाइस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन के ऊपर दबा कर रखो ऐसे ही शानदार वीडियो को एंजॉय करने के लिए। तो गाइस फाइनली आप बात करते हैं गेम की रिलीज को लेकर। जी हाँ गाइस, RC22 गेम की रिलीज को लेकर फाइनली ऑफिशियल न्यूज आ चुका है, यानी कि रियल क्रिकेट 22 जो है ये ऑफिशियली रिलीजिंग होने वाला है एक महीने के अंदर। ये 100% रियल न्यूज है गाइस, एक महीने के अंदर रियल क्रिकेट 22 का बीटा वर्सन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा डिसीजन है कंपनी का, एक महीने के अंदर जो गेम है वो प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जून के 20 तारीख से पहले पहले गेम जो है वो बीटा वर्सन में आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, और आप लोग डाउनलोड करके एंजॉय कर पाओगे, आपके फोन में गेम को खेल पाओगे इस एक महीने के अंदर। तो यार थोड़ा सा सब्र रखो, गेम जो है वो बीटा वर्सन में आने वाला है, तो गेम के अंदर थोड़ा मोड़ा बग्स जरूर रहेगा, आपको कंपनी को फीडबैक देना होगा ताकि गेम कंपनी उसके ऊपर काम करके वो वाला अपडेट देके फिक्स कर दे। तो यार गेम कुछ ही दिनों में प्ले स्टोर में अपलोड हो जाएगा, बस गेम के अंदर कुछ माइनर काम बाकी है। तो माइनर वर्क करने के बाद जो गेम है वो प्ले स्टोर में सबमिट कर दिया जाएगा, उसके बाद गूगल टीम रिव्यू करने
में जितना टाइम लगेगा उतना ही टीम है, उसके बाद जो गेम है आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा, यानी कि मिनिमम एक महीना बनता है, तो एक महीने के अंदर गेम जो है आपको प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। और ये 100% ऑफिशियल न्यूज कंपनी की तरफ से निकल कर आया है। तो यार इस वीडियो को लाइक तो बनता है, इतना बढ़िया न्यूज निकल कर आया है रियल क्रिकेट 22 गेम्स डेवलपर की तरफ से। तो रियल क्रिकेट 22 गेम की बीटा वर्जन के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, आप लोग क्या एक्साइटेड हो या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करके बताओ। तो यार फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलूंगा गाइस आप सभी के साथ कोई जबरदस्त वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।